So good morning, everyone. Myself Subhashis Sarkar from Sarvasri House Private Limited और Sarvasri Education Department की तरफ से SHPL Education की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं इस Zoom webinar में. और दोस्तों Sarvasri परिवार की तरफ से आप सभी को दशहरा का बहुत बहुत शुभकामनाएं. आप सभी को हैप्पी दशहरा. So, आज के इस पावन तिथि में जहाँ पे नवरात्रि भी खत्म हो गए हैं, आज ऑल ओवर इंडिया दशहरा मना रहे हैं और बंगाल में आज विजयादशमी कहलाते हैं. सो अभी तो माँ का विसर्जन नहीं हुआ है. सो ऑफिशियली हैप्पी विजया या शुभ विजया बोलना ये अभी एथिकली ठीक नहीं है. फिर भी विजया का ढेर सारा शुभकामनाएं, दशहरा का ढेर का सारा शुभकामनाएं. आपका ये फेस्टिव सीजन और भी आनंददायक हो, आपका यह परिवार और साथ में आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें माँ के. और ऐसे ही प्रार्थना लेते हुए आज इस वेबिनार का शुभारंभ करते हैं. सो दोस्तों आज जो है बुधवार, और जैसे आप सभी जानते हैं दोस्तों बुधवार हमारे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग रहती है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा शेड्यूल को चेंज किए हैं. आज हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग करेंगे, राइट? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग जानेंगे. अगर आपके खेत में कोई प्रॉब्लम आ गए, अगर आपके खेत में कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया का, वायरस का, जिसको हम लोग पेस्ट अटैक कहते हैं. सो हम लोग बहुत सारे पेस्टिसाइड्स देते हैं, फंगिसाइड्स देते हैं, या फिर और भी कई सारे केमिकल्स हम लोग छिड़काव करते हैं, लेकिन उससे हमारे खेतों का, हमारे फसलों का और साथ ही साथ हमारे हेल्थ का नुकसान बहुत भारी मात्रा में होता है. सो दोस्तों अगर ये बैक्टीरियल अटैक अगर आपके खेत में होता है तो वो कैसे होता है, और उसको आप कैसे पहचानोगे कि ये बैक्टीरियल अटैक है, और उस खेत को, उस फसल को आप कैसे बचाओगे, इसके ऊपर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सीनियर ट्रेनर, हमारे एक्सपर्ट एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत दिनों से काम करने वाले डॉक्टर पार्थो प्रतिम मुखर्जी सर. सो उनको बुलाने का मौका आ गया है. सो हम सभी रेडी हैं आज के इस अनोखे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग को लेने के लिए. यस. सो चलिए दोस्तों, आप सभी के एक्साइटमेंट के साथ, आप सभी के वेलकम मैसेजेस के साथ मैं इस वेबिनार में आमंत्रित करता हूं नन अदर देन डॉक्टर पार्थो प्रतिम मुखर्जी सर. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग सुभाषी सर, थैंक यू वेरी मच. आवाज आ रही है सर? एकदम एकदम परफेक्ट. चलिए तो सर शुरू करता हूं आज की एग्रीकल्चर की बात लेके आज का प्रोग्राम. सुभाषी सर बोल दिया कि थोड़ा रीशेड्यूल किया गया है कुछ कारण के लिए. तो हर आदमी, हर दोस्त को थोड़ा नवरात्रि एंड दशहरा की शुभकामनाएं बताते हुए करते हुए चलिए शुरू करता हूँ. थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, फिर धीरे धीरे मैं आपको प्रोडक्ट में आ जाऊं.
एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। कुछ इंटरनल प्रॉब्लम के लिए स्क्रीन शेयर नहीं हो रही थी। एनीवे Yes. आज की जो चर्चा होगी वो है प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी का मतलब क्या है कि अगर पूरा चीज को अगर देखिएगा तो हमको जब फील्ड में हम काम करने जाते हैं या किसानों भाई किसकी खेती करते हैं तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम आ जाती है और बैक्टीरिया के बारे में आज थोड़ा बात करेंगे, आप कैसे उसको पहचानिएगा और क्या प्रोडक्ट दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। प्लांट पैथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी, एक साइंटिफिक स्टडी है ऑफ डिजीज इन द प्लांट कॉज द पैथोजन एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। मतलब क्या है कि जिस तरह से कंडीशन आते रहता है उस तरह से हमको इसको थोड़ा थोड़ा करके जानना है और इसको पहचानना है। पहचानना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत सारी अगर फील्ड में आप लोग जब तक काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको प्लांट पैथोलॉजी के बारे में पता नहीं चलेगा। मतलब क्या, पेड़ों की जो रोग होती है उसमें बैक्टीरिया अगर आ जाता है तो किस तरह से पहचानेगा, कितना किस्म का बैक्टीरिया इफेक्ट करता है मेन और उसको कैसे हम इसको हटाए। प्लांट डिजीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वायरस वेरियस पैरामीटर। काफी प्लांट डिजीज जो होता है कभी कभी बहुत ज्यादा पैरामीटर्स पे इसको बांट दिया गया है और देख लेते हैं किस तरह से ये पैरामीटर्स। एक होता है कि इन्फेक्शस नॉन इन्फेक्शस डिजीज जिसमें कोई जीवाणु की बात नहीं रहती है, लेकिन कुछ रोग ऐसे होती है जिसमें कोई जीवाणु नहीं रहती है, लेकिन कुछ कुछ में होता है जो नॉन पैरासाइटिक डिजीज, मतलब कुछ ऐसे कुछ चीज होती है जो उस पेड़ से खाना खाके परजीवी जिसको बोलते हैं खाना खाके कुछ प्लांट है कुछ निमाटोड्स है कुछ दूसरा चीज भी है जो उसको लेके वो जिंदा रहता है। तो एक हुआ नॉन इन्फेक्शस डिजीज, दूसरा हुआ नॉन पैरासाइटिक डिजीज। अब आ जा रहा है इन्फेक्शस डिजीज, मतलब उसमें जीवाणु में कुछ अटक हुआ है, और दूसरा है कि पैरासाइटिक डिजीज जिसमें परजीवी जिसको बोलते हैं उसके लिए भी ज्यादा इफेक्ट होती है। तो दिस टाइप ऑफ डिजीज आर कॉज्ड बाय द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कैसे इसका एक्चुअली ये जो अटैक करता है इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होना चाहिए, इसके लिए क्या क्या होना चाहिए जब ये जाके अटैक करता है या मेरा खेती को नुकसान पहुंचाता है। अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ सॉइल, सॉइल को अगर बढ़िया से नहीं बना पाए आप बिफोर एग्रीकल्चर बिफोर खेती,
अगर खेती के पहले इसको सॉइल को अगर ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाए तो आपको काफी नुकसान पहुंच सकती है। उस सॉइल में काफी जीवाणु रहती है, निमाटोड्स रहती है, तो जाके करता है। दूसरा क्या है, मिनरल डेफिशिएंसी। अगर खनिज पदार्थ अगर ठीक ठीक नहीं है तो इसमें लेकिन जब खेती करते हैं आप लोग तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। दिस इज ऑल पैरामीटर्स ऑफ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। मतलब क्या, इसमें इन्फेक्शन नहीं होती है, दूसरा कोई कारण इन्फेक्शन छोड़ के या जीवाणु छोड़ के जो इन्फेक्शन होती है उसमें होती है। तीसरा पैरामीटर है लो और हाई टेम्परेचर। कभी बहुत तापमान बढ़ गया या तापमान घट गया। हर पेड़ पौधे में, हर खेती में एक स्पेशल किस्म की, एक सिद्धांत के हिसाब से उसका टेम्परेचर मेंटेन करना, जो मेरा हाथ में नहीं है, ये मेरा हाथ में नहीं है। टेम्परेचर कभी धूप बढ़ जाएगी, कभी बहुत ज्यादा जड़ा गिर जाएगी, ज्यादा बरसात हो जाएगी, ये मेरा हाथ में नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में लेकिन टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। और क्या होता है, इंप्रूव वाटर सप्लाई। अगर बढ़िया से पानी ना मिले, जिस जिस खेतों में, जिस तरह से, जिस जिस फसल में, जिस तरह से पानी होना चाहिए, अगर पानी नहीं होता तब जाके ये नुकसान पहुंचाती है। इंप्रूव वाटर रिटेंशन। अगर पानी, अगर जमीन अगर पानी को पकड़ के ना रखना पाए, ना रखते हुए ये लेकिन खानी पहुंचाती है। और क्या होता है, नॉन इन्फेक्शियस जिसमें इम्प्रॉपर ऑक्सीजन, अगर बढ़िया से ऑक्सीजन ना मिले। सोचिए कि आपका खेत का बगल में कोई इंडस्ट्री है, या सोचिए कि उस जगह का काफी नुकसान पहुंचा है रिगार्डिंग द पेस्टिसाइड्स, और दूसरा कोई केमिकल इंडस्ट्री है, तब जाके इम्प्रॉपर ऑक्सीजन हो जाती है। और प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलने का पर ही नॉन इन्फेक्शियस डिजीज पैदा होती है। दूसरा क्या, इम्प्रॉपर लाइट। अगर सूर्य की रोशनी बढ़िया से ना गिरे पेड़ों में तो जाके इन्फेक्शियस डिजीज का एक चांस बहुत ज्यादा रहता है। साथ में क्या है, इम्प्रॉपर एक्सटर्नली केमिकल्स यूजेस। अगर जिस तरह से करना चाहिए उसका से ज्यादा आप करते हैं या कम करते हैं, अगर एक्सटर्नली केमिकल यूजेस इम्प्रॉपर, ये हम लोग करते हैं। हम लोग कभी मन हुआ तो दे दिए 10 किलो खाद और ज्यादा, यूरिया दे दिए, एनपीके दे दिए, इस तरह से अगर देते रहते हैं तो ये हानि पहुंचाती है, मेरा कोई लाभ नहीं देती है, और पेस्टिसाइड्स के लिए भी मेरा हानि पहुंचाती है। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। अगर न्यूट्रिएंट्स नहीं है जमीन पर तो क्या खींचेगा और क्या वो आपको सप्लाई करेगा, तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के बारे में भी बहुत ज्यादा चर्चा भी हो रही है। हम लोग इसको बैलेंस करते हैं आवर प्रोडक्ट से, मेरे एक्सलेंट प्रोडक्ट से हम पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं, फिर खेती स्टार्ट करते हैं एज पर आवर प्रिंसिपल्स। और क्या है, मैकेनिकल इंजुरी। बाढ़ आ गई, तूफान आ गई, अम्फन वगैरह आ गया, काफी नुकसान हो जाती है, ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ये होती है, इसलिए पैरामीटर को इसको लगा दिया गया है, आप लोगों को जानना जरूरी है। एयर पोल्यूशन आप जानते हैं, एयर पोल्यूशन के लिए भी काफी काफी इफेक्ट होती है पेड़ पौधों में, आप ये देख पा रहे हैं। और आगे थोड़ा बढ़ते मिनरल टॉक्सिसिटी। कुछ ऐसे मिनरल्स है जिसका टॉक्सिसिटी बढ़ जाता है, वो अगर ज्यादा आप दे देते हैं इसमें, इसके अंदर में, तो जाके फिर हानि पहुंचाती है। मिनरल टॉक्सिसिटी ऑल्सो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। साथ में क्या रहेगा, कुड नॉट बी स्प्रेड टू द अदर्स। ये क्या होता है कि एक इंफेक्शन पेड़ से दूसरे इंफेक्शन जा सकता है, लेकिन नॉन इंफेक्शियस डिजीज में ये एक पेड़ से दूसरा हवा के साथ ये जा नहीं सकता, ये खुद की अपना सेल्फ एक नुकसान पहुंचाती है, खुद के एक नुकसान पहुंचाती है। अब इंफेक्शियस डिजीज में क्या होता है, अब प्लांट में आ गया इंफेक्शन, मतलब जीवाणु से अगर कुछ इंफेक्शन आपका संक्रमक हो गया तो क्या होता है, ये भी पैरासाइटिक डिजीज भी है, ये दोनों चीज होता है, इंफेक्शियस डिजीज या पैरासाइटिक डिजीज। दीज आर कॉज्ड बाय द अटैक बाय सम लिविंग एजेंट कॉल्ड पैथोजन। उसमें क्या, नॉन लिविंग एजेंट, उसमें कोई जीवाणु नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, जीवन जिसमें है वो जाके अटैक करता है लिविंग एजेंट जो जिंदा रहता है, और इसी को करता है कॉल्ड पैथोजन। अगर कोई जिंदा कोई चीज जिसमें जीवन है, ऐसे ऐसे कुछ डिजीज जाके इसको अटैक करता है तो इट इज कॉल्ड पैथोजन। पैथोजन का मतलब जीवाणु, जीवाणु से संक्रमण होकर पेड़ पौधे में नुकसान पहुंचाती है। द हार्मफुल पैथोजन, जो हानि करती है पैथोजन पेड़ों की, उसमें मेनली क्या क्या है, बैक्टीरिया रहती है, फंगाई रहती है,
वायरस रहती है, फंगस के मतलब फंगस जिसको हम लोग बोलते हैं चालू वर्ष में, पैरासाइट रहती है और क्या होता है एल्गी रहती है और नेमाटोड्स रहती है। 1 2 3 4 5 6 यही 6 चीज से मेनली पेड़ पौधों में बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मोस्ट ऑफ द प्लांट डिजीज, जितना प्लांट डिजीज आजकल देखा गया उसमें 85% फंगल इन्फेक्शन होती है, फंगस के कारण में ये इन्फेक्शन आ जाती है 85%, और 15% क्या होता है बाकी सब मिला जुला के होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, नेमाटोड्स होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, इस तरह से होता है, लेकिन जानकारी के फंगस सबसे ज्यादा होता है। तो इस बैक्टीरिया को शुरू करते हैं, फिर मैं नेमाटोड्स में जाऊंगा, फिर पैरासाइट में जाऊंगा, उसके बाद वायरस इज बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए वायरस को हम बाद में आप लोगों के साथ धीरे धीरे परिचित कराते जाऊंगा। सर्टेन नेमाटोड्स आल्सो कॉज प्लांट डिजीज, कुछ नेमाटोड्स होती है, नेमाटोड्स के बारे में मैं पहले चर्चा कर चुका हूँ, मेरा वीडियो भी दिया हुआ है, हर हम लोग का वीडियो आपको पोस्ट कर दिया जाता है, आप उसको देखिएगा तो धीरे धीरे हो जाएगा। ऐसे बैक्टीरिया के लिए भी हम लोग ने क्या किया, वीडियो लोड किया है। इट कैन बी स्प्रेड इफेक्टेड प्लांट टू हेल्दी प्लांट, जो अच्छा प्लांट है हवा के साथ ये बह जाती है और दूसरा प्लांट को भी ये इफेक्ट करता है। तो इसमें क्या हुआ कि हवा चलती है तो एक जगह से एक जो जिस प्लांट से संक्रमित प्लांट को संक्रमित पेड़ पौधे से हेल्दी मतलब जो ठीक है उसमें भी क्या डिजीज फैल जाती है और हानि पहुंचाती है। द पैराजेंस में अटैक पार्शियली और फुल्ली ऑफ द प्लांट, ये क्या करता है पूरा प्लांट को खराब कर सकता है या पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत खेती में ही अटैक कर सकता है, इसका कोई ठीक नहीं है कब पार्शियली करेगा कब खेती में करेगा। द पैराजेन अटैक्स फुल्ली और पार्शियली, देखिए ये मेरा दाहिना तरफ जो है ये देखिए मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, इसमें क्या पूरा खेती को बर्बाद कर दिया और यहाँ पर क्या कुछ कुछ पेड़ों में किया है, कुछ कुछ जगह में किया है, इस तरह से फुल्ली करता है या पार्शियली करता है, इसलिए कोई ठीक नहीं है कौन पैथोजन कहाँ जाके कैसे ही वो अटैक करेगा, लेकिन आपको हानि तो जरूर पहुंचाएगी। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा चैट में लिखिए। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो यस यस ऐसा मैडम लिखिए आ रही है, मिताली मैडम भी प्रेजेंट है, थैंक यू मिताली मैडम, थैंक यू सबको समझ में आ रहा है, थैंक यू वेरी मच थैंक यू। तो इतना जानने का बात आज जो चर्चा करेंगे हम लोग वो क्या करेंगे, प्रदीप सर जम्मू से, विजेंद्र पासवान सर जी, यस सर थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो इतना जान लीजिए किस तरह से प्लांट को अटैक कर, हम इतना देर तक थोड़ा चर्चा किया हम लोग कि कैसे ये अटैक करता है, किस तरह से कौन कौन चीज मेरा हानि पहुंचाता है, कभी मैकेनिकल इंजुरी होती है, बाढ़ वगैरह आती है, तूफान वगैरह आती है, कैटरपिलर भी आती है और जाके नुकसान करता है, सब चीज मेरे हाथ में नहीं है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ चीज हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन किस तरह से होती है और उसको हम कैसे इसको रिमेडी करें थ्रू आवर प्रोडक्ट, हम उससे कैसे पेड़ पौधों को बचाएं। ये पैथोजन देखिए उधर वाला जो पेड़ का बगीचा दिखाई दे रहा है उसमें लेकिन देखिए कुछ अटक नहीं हुआ, लेकिन इस तरह का पेड़ में अटक हो गया, ये पर्सेली भी हो सकता है फुल्ली हो सकता है, किस तरह से हम इसका पिक्चर देके आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। अब क्लासिफाइड जो है बैक्टीरिया प्लांट डिजीज में पहले आ जा रहा है बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया को तो खाली आंख से आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन इसका जिस तरह से जो बैक्टीरिया जिस तरह से अटैक करते हैं उससे हम पकड़ लेते हैं कि कौन बैक्टीरिया अटैक किया है, उसको मारने के लिए क्या साधन है, यही हमको जानना है। तो पहले पहचानने के लिए उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमको जरूरी है, लेकिन एक दिन दो दिन ट्रेनिंग के साथ आप इसको पहचान नहीं सकते, जितना आप काम कीजिएगा जितना फील्ड में देखिएगा जितना पिक्चर आप लीजिएगा और पिक्चर देखिएगा तो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि ये कौन बैक्टीरिया अटैक किया है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है दो किस्म का बैक्टीरिया अटैक कर देता है, तीन किस्म एक साथ अटैक करता है, तब पहचानना बहुत मुश्किल होता है, तब जाकर टेस्ट कराना पड़ता है कि इस कौन बैक्टीरिया इसमें अटैक किया है। तो पहले बैक्टीरियल डिजीज ऑफ द प्लांट आर कॉज मोस्टली 6 types ऑफ बैक्टीरिया, 6 प्रकार की बैक्टीरिया मेन अटैक करती है और नुकसान पहुंचाती है, 6 कौन कौन है।
एक तो है एग्रोबैक्टीरियम, एग्रोबैक्टीरियम ई आने से कैसा होगा बाद में हम बता रहा हूं, पहले जानकर रखिए छह जो बैक्टीरिया हमारा पास आ रही है और मेरा खेती में नुकसान कर रही है वो बैक्टीरिया कौन कौन है। एग्रोबैक्टीरियम एक तो बहुत खतरनाक एक बैक्टीरिया है जो हमारा खेती में नुकसान पहुंचाती है। दूसरा है साइनोबैक्टीरियम, इसका नाम है, अगर संभव है तो आप उसको अपना भाषा में या इंग्लिश में लिख लीजिए ताकि बात में आपको अच्छा लगे, नहीं तो बाद में वीडियो से भी आप इसको कॉपी कर सकते हैं। साइनोबैक्टीरियम ये भी बहुत ज्यादा खेती में असर डालता है। एरिनिया, एरिनिया इसका भी देखिए एक किस्म का बैक्टीरिया, जो हम यहाँ जो पिक्चर दिखा रहे हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा करके दिखा रहे हैं आप लोग को, लेकिन ये खाली आंख से आप देख नहीं सकते हैं, दैट इज द मेन डिफिकल्टीज। सीडोमोनस, सीडोमोनस बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोमाइसिस इसका लिए भी काफी मेरा असर आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिस और जेंथोनोमस ये बैक्टीरिया जाके मेरा ज्यादा से ज्यादा मेरा खेतों में हानि करता है। हर बैक्टीरिया के लिए अलग अलग उसका साधन भी कर दिया है, केमिकल आप लोग यूज करते हैं, लेकिन केमिकल यूज करके तो बैक्टीरिया मार दिए लेकिन खेती को आप बर्बाद कर रहे हैं धीरे धीरे। तो पहले से मैं प्रोटेक्ट अगर कर देता हूँ कि बैक्टीरिया आपको अटैक नहीं कर पाएगा, बैक्टीरिया संक्रमित नहीं कर पाएगा और आप बढ़िया से खेती कर सकते हैं, वही मेरा एक्चुअली प्रिंसिपल है। इसी को आप लोग समझना है और किसान भाई को अगर समझाते हैं कि मेरा पास प्रोडक्ट जो है उससे आप खेती कीजिए और केमिकल यूजेस से दूर में रहिए, तो जाके देखिए आपका खेती 70 साल पहले जैसे होती थी विदाउट फर्टिलाइजर विदाउट केमिकल, आप भी इसको कर सकते हैं जिसको जैविक खेती बोला जाता है। अब इसको पहचाने कैसे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट डिजीज, हम इसको थोड़ा बहुत करने का कोशिश करते हैं, आज थोड़ा चर्चा करते हैं किस तरह से मैं इसको पहचानेंगे कि कौन बैक्टीरिया इफेक्ट किया है, या बैक्टीरिया इफेक्ट किया है या वायरस इफेक्ट किया है या फंगस इफेक्ट किया है, और दूसरा भी हो सकता है कि पैरासाइट इफेक्ट किया या नेमाटोड से प्रॉब्लम आ रही है, तो हम जाके इसको कैसे इसको पहचाने यही थोड़ा हमको आज का ट्रेनिंग में देना है और कौन कौन प्रोडक्ट किस तरह से यूज करेंगे। साइनोबैक्टीरिया मेनली क्या होता है कि उसका जड़ से ऊपर में जो रहता है उसमें जाके स्टेम में जाके अटैक करता है और पूरा स्टेम को पिघला देता है। देखिए यहाँ पर पोटेटो, पोटेटो का मतलब आलू का खेती का हम दिखाए, आलू का पेड़ को हम दिखाए, जरा यहाँ देखिएगा तो देखिएगा कि ये जाके पूरा जाके ये टोटली इसका बर्बाद कर दिया। देखिए हम रेड रंग का सर्कल बनाए हैं उसमें दिखाई दे रहा है, और अगर आलू बन भी जाता है तो आलू का भीतर का देखिए क्या हालत कर देता है। ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया मेनली क्या करता है, स्टेम को जला देता है, सड़ा देता है। फसल होने का बाद भी होता है, देखिए कितना बड़ा आलू हो गया उसके बाद ये अटक कर दिया, खाना नहीं पहुंचा, आलू का भीतर का हालत क्या हो गया देखिए। तो इस तरह का अगर होता है तो साइनोबैक्टीरिया मेनली क्या करता है, स्टेम को जला देता है या सड़ा देता है। एरिनिया क्या करता है, एरिनिया क्या करता है, पत्ते को बीच बीच में पिघला देता है। अगर पत्ता पूरा ठीक है बीच में सड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर गोभी का है, यहाँ पर दूसरा कोई प्लांट का है, देखिए पत्ता को किस तरह से ये पिघला दिया या सड़ा दिया, इसमें क्या होता है तब पता चलता है ये एरिनिया बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियल अटैक हुआ है और एरिनिया से ही हुआ है, तो जाके आप एंटी एरिनिया अगर प्रोडक्ट देते हैं तो इसमें इसको बचा सकते हैं पहले से, लेकिन इतना ज्यादा इफेक्ट होने के बाद इसको कोई बचा नहीं सकता, कोई केमिकल इसको बचा नहीं सकता। तो इस तरह से आपको पहचानना है, आप धीरे धीरे इसका पूरा वीडियो आपके पास रहेगा, आप इसको देखते रहिए, इसको पहचानते रहिए, इस तरह का अगर दिखाई देता है पेड़ पौधे में तो आपको पता चल जाएगा ये एरिना का इफेक्ट हुआ है। सीवडोमोनस, सीवडोमोनस लेकिन जला देता है पत्ता को, देखिए यहाँ पर जला दिया पत्ता को, लेकिन स्पॉट स्पॉट मोजेक स्पॉट स्पॉट जैसा, घर में मोजेक होता है तो काला काला सारा सारा जैसे स्पॉट होता है, इस तरह से भी इसका पत्ते को ऊपर दिखे पत्ते लगता है कि कोई इसको आगे लगा दिया। दो किस्म का पत्ता हम दिखाए किस तरह से इसमें होता है, अगर इस तरह से आपको पत्ते में दिखाई दे तो आप जानकर रखिए ये सीडोमोनस इफेक्टेड हो गया है, सीडोमोनस बैक्टीरिया उसको पर ई पत्ता को आप बचा नहीं सकते, बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो गया,
लेकिन पेड़ पौधे में अगर पत्ता में ज्यादा ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा तो खाना नहीं बना पाएगा, नीचे से खाना भी खींच नहीं पाएगा और दुर्बल हो जाएगा, ये और नुकसान पहुंचाएगा। सिडुबनस देखिए, और एक तो पिक्चर में दिया हूं किस तरह से पत्ता को सिकोड़ दिया और इसको जला दिया, इससे पता चल जाएगा इसमें सिडुबनस बैक्टीरिया जो इफेक्ट किया है, और तुरंत हमको एंटी सिडुबनस कोई प्रोडक्ट हमको देना है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस देखिए ये क्या करता है, पूरा पेड़ को जला देता है, ये पानी खींचने का जो क्षमता होती है पेड़ में इसको रोक देता है। और देखिए उसमें भी पोटेटो में दिखाए कि पोटेटो में क्या हो गया, पोटेटो को अगर देखते रहिएगा देखिए इसमें काला 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 ब्राउन कलर का स्पॉट हो गया जो बिकने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेप्टोमाइसिस बैक्टीरिया इसमें अटैक किया हुआ। और इधर देखिए आलू में ये पेड़ को देखिए किस तरह से जला दिया, दिस इज द मेन पॉजिटिव। तो अगर पूरा पेड़ को जला दिया या पूरा पेड़ को सुखा दिया और आलू के अंदर में भी ऐसे स्पॉट है तो जानकर रखिए 90% चांसेस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस। जेंटोनोमस, जेंटोनोमस क्या करेगा, ये पर्सियली मतलब का थोड़ा बहुत खेती में अटक करता है, पूरा खेती में अटक नहीं करता, इसको पहले पहचान लीजिएगा। दूसरा बात देखिएगा ये क्या होता है, जो फसल होता है उसको पिघला देता है या इसको सड़ा देता है। इसमें पत्ते में देखिए पत्ते का करेक्टर देखिए, इसमें भी स्पॉटेड होता है लेकिन उतना ज्यादा ब्राउन कलर का, इसमें क्या होगा पत्ता सूखा सूखा लगेगा लेकिन लगा के ऐसे नहीं होगा कि पत्ता जल गया इस तरह सिकुड़ जाएगी, इस तरह से नहीं होगा, लेकिन पत्ते को देखिए पीलापन आ जाता है पत्ते में और थोड़ा थोड़ा ब्राउन स्पॉट आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये जेंटोनोमस है। जेंटोनोमस अगर बैक्टीरिया अटैक करता है तो पूरा खेती में नहीं करता है कभी भी, ये पर्सेली करता है, थोड़ा बहुत जगह में ज्यादा से ज्यादा करता है। देखिए यहाँ पर हम दिखा दिए पूरा खेती का एक अंश पर ये जाके अटैक कर दिया, इसलिए क्या है जेंटोनोमस अगर होगा तो आपको इस तरह से पता चलेगा। अब आते हैं मेरा प्रोडक्ट कौन प्रोडक्ट किस में दूं और कैसे दूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन प्रोडक्ट कहां पर देना है कैसे देना है। तो जान कर रखिए जब आप खेती स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे एक सलाह आप लोग का पास है, आप पहले मिट्टी को बनाइए, मिट्टी में क्या होना है प्रोबायोटिक होना चाहिए, तो पहले पहले आप प्रोबायोटिक को बना लीजिए ताकि पेड़ पौधे बहुत सुंदर से खाना इसको मिल सके, जितना अच्छा खाना ये प्राकृतिक खाना जो है नेचुरल फूड वो खींच सकेगा, या फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये अगर खाना खुद बना के पेड़ तो ये मजबूत हो जाएगा पेड़, इसमें कोई बैक्टीरिया अटैक नहीं कर सकता, बिकॉज जितना अच्छा इसको खाना दीजिएगा उतना इसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, और जितना इम्यूनिटी बढ़ेगी उससे ज्यादा से ज्यादा आपको लेकिन बहुत अच्छा फसल भी आएगा, कोई इसको बाहर से अटैक नहीं कर पाएगा, कोई भी बैक्टीरिया इसको अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, क्या वो मार डालेगा। क्यों देखिए जैसे मेरा शरीर में इम्यूनिटी अगर ज्यादा होता है तो मेरा जुकाम भी कम होता है, बिकॉज मेरा शरीर में तो बैक्टीरिया अनवरत जा रही है लेकिन मेरा बॉडी की इम्यून सिस्टम इसको मार दे रही है, इसलिए मैं डिजीज नहीं हो रहा हूँ। अगर पेड़ दुर्बल रहेगी, पेड़ अगर मजबूत नहीं रहेगा तो इसको भी अटैक कर देगा और उसमें वो लोग अपना खेती को बर्बाद कर सकते हैं। तो कौन प्रोडक्ट देना है एंटी बैक्टीरियल के हिसाब से, अगर कुछ भी हो मेरा पास जो प्रोडक्ट है जैविक प्रोडक्ट है, ये तो पेड़ में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, कोई हार्म नहीं करेगा, लेकिन पहले से पहले अगर बना लीजिए, जैसे सोचिए कि आप हिमिक ग्रैनुल्स और हिमिक लिक्विड से आप स्टार्ट किए, उसके बाद सारे जमीन पर आप उसको ब्लैक मैजिक दे रहे हैं बिकॉज इसका पीएच बैलेंस बनाने के लिए, उसके बाद कुछ ऐसे मेरा पेस्टिसाइड्स है नेचुरल पेस्टिसाइड ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जो उसको पहले जमीन पर अगर दे देते स्प्रे कर देते अलोंग विद ब्लैक मैजिक, तो जमीन पर जितना जीवाणु आए उसको मार डालता है, तब जाके जमीन से आपको अटैक होने का चांस बहुत कम हो जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाके खेती स्टार्ट कर देते हैं, जमीन को हम ट्रीटमेंट नहीं करते कि जमीन में कोई बैक्टीरिया है या कोई खेती में अगर कोई वायरस है, इसको हम लोग देखते नहीं है, हम लोग डायरेक्ट जाके खेती स्टार्ट कर देते हैं। डॉक्टर्स गोल्ड, अगर डॉक्टर्स गोल्ड को आप खेती में खेती स्टार्ट करने का पहले सर ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स या ह्यूमिक लिक्विड, उसके बाद ब्लैक मैजिक दिया, ब्लैक मैजिक देने का बाद या ब्लैक मैजिक का साथ आप डॉक्टर्स गोल्ड को भी अगर स्प्रे कर देते जमीन पर, वो पीएच बैलेंस करेगा, न्यूट्रिशनल एफिशिएंसी बढ़ाएगा, और अगर वायरस भी रहेगा फंगस भी रहेगा या बैक्टीरिया भी रहेगा, ये तीनों में काम करता है, तो ये जाके क्या होगा आपको
खेती से अगर जो कॉन्टेमिनेट होने का चांस है, संक्रमण होने का चांस है, ये लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क कमती हो जाएगा। डॉक्टर्स कोल्ड इज अ पावरफुल एंटी बैक्टीरियल ऑल्सो, ये बहुत बड़ा एंटी बैक्टीरियल जो बैक्टीरिया को मार सकता है, इसको इसीलिए बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल। एंटी का मतलब विपरीत। डॉक्टर्स कोल्ड इट हैज बैक्टीरियोस्टैटिक एंड बैक्टीरियोसाइटल प्रॉपर्टीज। क्या इसका मीनिंग है? बैक्टीरिया को दो किस्म से मारा जाता है, बैक्टीरिया को दो किस्म से मारा जाता है। किस तरह से मारा जाता है? एक हो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट इसको छेदा करके मार सकता है या इसको घेर के मार सकता है। चारों तरफ से एक तो बैरियर बना दिया, कोई खाना बैक्टीरिया के अंदर नहीं घुसेगा और धीरे धीरे बैक्टीरिया मर जाएगा। इस तरह से मार सकते हो, नहीं तो जाके उसको डायरेक्ट छेदा करके उसको मार सकते हो। उसको बाहर का जो आवरण होती है, उसका जो सेल मेम्ब्रेन होते हैं, उसको अगर आप तोड़ सकते हैं, उसको फोड़ सकते हैं, तो जाके क्या होता है, बैक्टीरिया मर जाती है। तो जो चीज को एकदम घेर के मारता है, चारों तरफ घेर के इसको मारा जाता है, इसको बैक्टीरियोस्टैटिक बोलता है। और बैक्टीरियोसाइडल किसको बोलता है, जिसको छेदा करके मारा जाता है, इसको पंक्चर करके मारा जाता है, इसको बोलता है बैक्टीरियोसाइडल। तो डॉक्टर स्कूल में दो प्रॉपर्टी है, ऐसे नहीं होता है एक एंटीबायोटिक में क्या होता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक होती है या बैक्टीरियोसाइडल होता है। लेकिन मेरा खूबी क्या है, ये दोनों तरफ से मार सकता है। कोई कोई बैक्टीरिया को छेदा करके मारा जाता है, कोई कोई बैक्टीरिया को घेर के मारा जाता है। तो इसमें उसको अगर किल करना है, मेरा दोनों का प्रबंध है। कोई भी बैक्टीरिया है, आइदर वो छेदा करके मारता है या उसको घेर के मारता है, तो क्या होता है, मेरा एफिकेसी बहुत ज्यादा होता है, पहचानने में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी हो जाता है कि बैक्टीरियोसाइटिक है या बैक्टीरियोसाइटल है। इससे कोई मतलब नहीं है, मेरा जो प्रोडक्ट है दोनों तरह से काम करता है। डॉक्टर कोल्ड इज सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स। कोई भी खेती आप करते हैं, कुछ भी कीजिए, कोई बोलता है सर गन्ने में दे सकते हैं, कोई बोलता है गोभी में दे सकते हैं, कोई बोलता है धान में मैं इसको दे सकता है, जो भी खेती कीजिए उसमें आप दे सकते हैं। सुटेबल फॉर ऑल क्रॉप्स लाइक टी, चाय में भी दे सकते हैं, कॉफी, वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर, कुछ भी बना रहे हैं आप, उसमें आप किसी में भी आप इसको दे सकते हैं। कितना देना है? 10 ग्राम इन 15 लीटर्स वाटर। 15 लीटर जो टंकी होती है, स्प्रे वाली टंकी होती है, उसमें 10 ग्राम दे देना है। और 10 से 15 ग्राम दीजिए, ज्यादा मत दीजिएगा, 10 से 15 ग्राम दीजिए काफी है, मेरा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसलिए 10 से 15 ग्राम इसमें दीजिए। और फॉर बेटर रिजल्ट रिपीट स्प्रे विद इन ए वीक। एक हफ्ता के बार बार आपको रिजल्ट, अगर आप ज्यादा अच्छा से इसको प्रोटेक्ट करना है, अच्छा रिजल्ट इसमें पाना है, तो एक हफ्ता 10 रोज छोड़ छोड़ के आप इसको पेड़ों में आप प्रोटेक्ट करते रहिए, इसमें स्प्रे करते रहिए पहले से। जब पेड़ 7 रोज की हो जाएगी, जब उसमें रूट अगर डेवलपमेंट हो गया, तब जाके इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो 7 रोज का बाद आप पेड़ में इसको हफ्ते भर में थोड़ा थोड़ा करके स्प्रे करते जाइए। तो दिस इज द डॉक्टर्स गोल्ड इज द ओनली प्रोडक्ट जो वायरस भी है, फंगल भी है, बैक्टीरियल भी है, एंटी बैक्टीरियल भी है। इसमें क्या कोई डाउट नहीं है, पता नहीं चल रहा इसमें वायरस अटैक किया या फंगल अटैक किया या नेमाटोड अटैक किया या बैक्टीरियल अटैक किया, कुछ भी अटैक करे, मेरा तीनों में ये काम करता है। इसलिए हम कहने का मतलब डॉक्टर स्कूल आप स्टार्ट कीजिए। सर्वर नीम भी एंटी बैक्टीरियल है, इज द एक्टिव बैक्टीरियोसाइडल है, ये घेर के मारता है। एंड कॉम्पाउंड, कुछ कुछ कॉम्पाउंड है, एजरेक्टिन है, आपका निम्बोलिलिन है, इसमें निम्बिन है, इस तरह का जो केमिकल है, वो भी आप डॉक्टर्स गोल्ड के साथ थोड़ा सा नीम को भी थोड़ा पाइल करके दे सकते हैं। लेकिन नीम को बार बार यूज मत कीजिएगा, नीम ऑयल को बार बार, क्योंकि इस पर रेजिस्टेंस पैदा हो जाती है, तो ये काम करने में किसी को काम करने नहीं देगा। एक बार दो बार दिए एक फसल में ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसको यूज नहीं करना है। पहली बार दिए, फिर नेक्स्ट मंथ में एक बार दे दिए, तो क्या होगा, डॉक्टर्स गोल्ड को भी आप बुलंद कर सकते हैं विथ नीम, आप डबल एक्शन इसमें ले सकते हैं। निम्बिडिन है, इतना केमिकल है, निम्बोडॉल है, इतना केमिकल जो इसके अंदर है, फाइटोकेमिकल्स बनर, मतलब पेड़ों पौधे से जो केमिकल निकलती है उसी में नेचुरल केमिकल है, और इसी को जाके आप इसको एंटी बैक्टीरियल के हिसाब से इसको आप यूज कर सकते हैं।
नीम एज ए ग्रेट पोटेंशियल टू यूज द थेरापेटिक ऑन रेजिस्टेंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नीम का एक तो बढ़िया कि कुछ कुछ बैक्टीरिया हो जाता है, वो लोग सब पहचान जाता है कि लोग किस तरह सबको मारने वाला है, वो ऊपर से उसको प्रोटेक्ट करने वाले एक आवरण बना लेता है नीम, लेकिन उसको जाके चेक करके मार देता है। तो सर्व नीम को आप जाके कर सकते हैं। एप्लीकेशन कितना है, अप्लाई टू स्प्रे सॉइल एप्लीकेशन, ये अंदाज से आप देते रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 25 to 30 ml पर 15 liter पर एकड़। इसमें क्या देना है पर एकड़ में, कितना 25 to 30 ml फॉर 15 liter पर एकड़ जमीन पर इसको देना है। 10 रोज का बाद बाद आप दे सकते हैं, लेकिन नीम को ज्यादा इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। अब थोड़ा क्वेश्चन आंसर ले लेता हूं। इतना डॉक्टर्स को देखे और आप नीम को देखे, आप इसको जरूर जरूर आप इसको यूज कीजिए। ओवर टू सुभाषिस सर। थैंक यू सो मच पार्थो सर फॉर योर वंडरफुल स्पीच, वंडरफुल सेशन। क्योंकि आज ये हम लोग देखे कि कैसे बैक्टीरियल अटैक्स होते हैं और उससे बचने के लिए हम लोगों के पास क्या क्या प्रोडक्ट्स भी हैं। तो दोस्तों अगर आपके कोई सवाल है सो आप इधर पूछ सकते हैं, पार्थो सर इधर हैं आंसर देने के लिए। यस थैंक यू मिताली मैम। श्रीधर संगीता जी पूछ रहे हैं, आज तो वेडनेसडे है, थर्सडे नहीं फिर एग्रीकल्चरल क्यू, थोड़ा सा ये फेस्टिव का मौसम जा रहा है, फेस्टिव का सीजन जा रहा है, सो शेड्यूल इस हफ्ते के लिए थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, लेकिन अगले हफ्ते से वैसे ही शेड्यूल है जैसे पिछले कई महीनों से हम लोग करते आ रहे हैं। और कल भी एग्रीकल्चर का ही सेशन रहेगा। और दोस्तों इसी के साथ और एक मैसेज आपको अभी दे देते हैं, आप सवाल करते रहिए। नहीं आयशा जी ऐसा कुछ बात नहीं है, अगले हफ्ते से हम लोग फिर से सेशन को अटेंड करेंगे, पर्सनल केयर सेशन हम लोग करेंगे इस हफ्ते, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, छुट्टियां चल रहे हैं, सो मैडम थोड़ा सा बाहर है, ठीक है। तो ओके सो दोस्तों और एक अनाउंसमेंट, स्पेशल अनाउंसमेंट बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस और बिफोर आई एंड दिस मीटिंग। सो इस महीने से क्योंकि आउटस्टैंडिंग अक्टूबर चल रहे हैं, सो आउटस्टैंडिंग अक्टूबर को और भी आउटस्टैंडिंग बनाने के लिए एसएचपीएल एजुकेशन सिस्टम एक डिसीजन लिए हैं, जो पहले भी मैंने अनाउंस किए थे, तो आज भी फिर से और एक बार मैं अनाउंस कर देता हूं। दैट इज हर वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे एट 8 PM रात को 8 बजे जहाँ पे हम लोग एनडीओ सेशन करते थे, उसी जगह पे हम लोग आएंगे स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन को लेके। स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन का मतलब क्या है, सर्वश्री में ऐसे बहुत सारे सिग्नेचर प्रोडक्ट्स हैं, जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स बहुत ही लाभदायक है एंड बहुत ही इफेक्टिव है एंड बहुत ही पॉपुलर है हमारे सर्वश्री में एंड ऑल ओवर इंडिया में। सो वो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स लेके हम लोग एवरी वेडनेसडे रात 8 बजे से प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन करेंगे और हम लोगों के साथ रहेंगे डॉक्टर पार्थो प्रतीप मुखर्जी सर, जो सिग्नेचर प्रोडक्ट्स को लेके हाईलाइट करेंगे और एक एक प्रोडक्ट को लेके डिटेल्स में हाईलाइटेड होगा। तो आज भी रात को 8 बजे से सिग्नेचर प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेनिंग है और आज का टॉपिक है एसपल्स। दोस्तों एसपल्स के ऊपर जितने सारे नॉलेज हम लोगों के अंदर है, जितने सारे पीपीटीज या प्रेजेंटेशन हमारे पास है या जो भी नॉलेज हमारे पास है, उससे कई गुना ज्यादा नया कुछ चीज जो मार्केट से फीडबैक आया है वो भी हम लोगों के पास, उसका थेरापीटिक जो डोजेज हैं या फिर उसका इंडिकेशंस हैं उसको लेके और भी डिटेल्स में चर्चा करने के लिए आज रात को 8 बजे हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर पार्थ प्रतीप मुखर्जी सर। तो आप प्लीज 8 बजे का जो मैसेज है इसको प्रमोट कीजिए और जुड़े रहिए रात को 8 बजे। सो दोस्तों अगर आपका पर्टिकुलर आज का प्रॉब्लम लेके कोई सवाल हो तो
तो आप पूछ सकते हैं। एक सवाल आया था पार्थो सर, मैं फोकस करना चाहूंगा, जब आप बोल रहे थे तब आया था कि ऐसा क्या कुछ है कि किसी पर्टिकुलर मौसम में कोई बैक्टीरियल अटैक होता है? यस यस, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा की। देखिए बात है क्या, हर मौसम के लिए, बरसात में एक किस्म का बैक्टीरिया अटैक करता है, गर्मी में एक किस्म का बैक्टीरिया अटैक करता है, लेकिन ये भी जानकर रखिए हर जगह में अलग अलग बैक्टीरिया जाके हर हर खेती में, ऐसा नहीं है कि कोई एक बैक्टीरिया वो गन्ने में भी अटैक कर सकता है और वो लेकिन पोटेटो में अटैक नहीं करता, ये भी हो सकता है। ये बैक्टीरिया जो है किस तरह से अटैक करेगा और किसको करेगा किसी को पता नहीं है, लेकिन देखा गया है मौसम के हिसाब से। जैसे सोचिए कि जब ये अप्रैल से पकड़ लीजिए, फरवरी मार्च अप्रैल में अभी वायरस ज्यादा अटैक करता है, जब बैक्टीरिया को जब खाना चाहिए और वो मल्टीप्लिकेशन कर सके तब जाके वो अटैक करता है, वो खाना लेता है लेकिन पेड़ पौधों से, बेसिकली उसका काम एक पेड़ पौधे से खाना लेना, इसलिए जाके वो अटैक करता है। जैसे वो काम कर वो उसका शरीर से हर प्रकार का बैक्टीरिया को अलग अलग टॉक्सिन निकलती है जो पेड़ पौधे को मार देता है। एक्चुअली बैक्टीरिया का कोई मकसद नहीं है कि पेड़ पौधों को मारेगा, उससे खाना मिलता है, लेकिन उसका बॉडी से इस तरह से टॉक्सिन निकलती है जाके वो पेड़ पौधों को मार देती है, समझ रहे हैं? तो हर मौसम में हर सिचुएशन में अलग अलग बैक्टीरिया, ऐसे भी हो सकता है कि एक ही पेड़ में दो तीन बैक्टीरिया अटैक कर दिया, ये भी हो सकता है। थैंक यू। ओके राठौर जी, आपका सवाल एप्पल के लिए कौन सा प्रोडक्ट है? सो पार्थो सर बार बार ही बोलते हैं, हम लोग भी बार बार बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि एप्पल के लिए अलग है या धान के लिए अलग है या फूल के लिए अलग है, सारे प्रोडक्ट्स है, जितने सारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स है सारे प्रोडक्ट्स है सभी खेती के लिए, राइट? बट वो स्टेप बाय स्टेप आपको यूज करना है, कौन सा आप पहले, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, और इसके ऊपर भी हम लोगों का ट्रेनिंग हो चुका है, पिछला जो ट्रेनिंग था पार्थो सर का या उससे भी पहले, वो भी इस स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में ही था। सो आप एक बार यूट्यूब चैनल में जाइए जहाँ पे सारे वीडियोस रहते हैं, उधर चेक कीजिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिल जाएगा। थैंक यू सो मच राठौर जी। और शैलेश जी पूछ रहे हैं धान में क्या किया जाए, सो आई थिंक ये सवाल और भी क्लियरेंस होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है, अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर पार्थो सर है चर्चा करने के लिए। एक्चुअली सुभाषिष सर, हाँ सबका कॉन्फ्यूज हो जा रहा है बेसिकली कि यहाँ पर कॉन्फ्यूजन है कि मेरा अगर धान है तो मैं क्या दू, मेरा पर बैगन हो रहा है तो क्या दू, मेरा भिंडी हो रहा है तो क्या दू, अगर मेरा पाट है तो क्या दू, गन्ने में क्या दू, सबके लिए सेम सिस्टम एंड सेम प्रोडक्ट, कुछ अलग नहीं है, देने का भी तरीका वही है, डोजेस भी सेम है, लेकिन मेरा कहने का मतलब अगर पेड़ पौधों का बचाना चाहते हो तो 7 रोज के बाद से आप स्टार्ट कर दीजिए उसमें प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं करना पड़ेगा, जब तक जमीन आपका तैयार हो जाएगा तब आपको ज्यादा दिन तक देखे के लिए, उस टाइम पेड़ खुद को खाना बहुत ज्यादा खींच सकता है और जाके इम्यूनिटी बढ़ा सकता है ताकि उसको कोई अटैक नहीं कर सकता। यहाँ पर है खेती के काम करने में बहुत अच्छा काम कर रहे मिस्टर सुब्रत देव, वो भी प्रेजेंट है। ओके काफी अच्छा ड्रेस में, थोड़ा सा सुब्रत देव को ले लेते हैं सर। हाँ यस यस, टाइम तो यस, बहुत है, उनका थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेता हूँ। सुबह में सुब्रत सर हमारे साथ है, वेस्ट बंगाल का जाबाज लीडर, सो उनको थोड़ा सा स्पॉटलाइट भी करते हैं और उनको थोड़ा सा सुन लेते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया ट्रेनिंग है, बहुत लोग कंफ्यूज था आज का ट्रेनिंग का लेकर, क्योंकि पर्सनल केयर का प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है वेडनेसडे को, आज एग्रीकल्चर हुआ है इसलिए कंफ्यूजन था, लेकिन बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुआ बैक्टीरिया का लेकर। थैंक यू सर, सभी के लिए तो एक ही प्रोडक्ट है, बार बार कंफ्यूज हो रहा है बहुत सारे मैम। गुड मॉर्निंग मिताली मैडम। गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। पूरा तो सर को एक चीज पूछना चाहूंगा, क्योंकि आज एग्रीकल्चर को लेके भी ट्रेनिंग हुआ है और ये हमारा सौभाग्य है कि आपको मिल गया, क्योंकि जब भी आपको स्पॉटलाइट करने जाते हैं आपको नहीं मिलते हैं,
सो सर आप क्योंकि वेस्ट बंगाल में हर एक एग्रीकल्चर फील्ड में जाके काम करते हैं, आपका वास्ट एक्सपीरियंस सर्वसिव के प्रोडक्ट्स का रिलेटेड आपका एक्सपीरियंस है बहुत मात्रा में. सो आप ऐसा कुछ बोलिए कि वो हमारे ऑल ओवर इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स को इंस्पायर करे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को लेके. आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कैसे इस्तेमाल करवाते हो, और स्पेशली ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या फिर क्या क्या यूज करना है क्या नहीं करना है, आप कैसे करते हो, आपका एक्सपीरियंस क्या है सर? एक्चुअली हमारा जो प्रोडक्ट है सभी खेती के लिए सेमी प्रोडक्ट है. एक्चुअली हम सीरियल वाइज अगर यूज करेंगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा. हमको तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला है और हमारा जो टेस्टिमोनी है टेस्टिमोनी में भी हमारा रिजल्ट का प्राइस आया है पार्थ सामंत का. बहुत बढ़िया रिजल्ट है खेती का ऊपर और बेगुन चश में बहुत बढ़िया रिजल्ट पाया हूँ मैंने. उच्चे में रिजल्ट पाया हूँ, धान में तो पाया ही हूँ. तो सभी प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है, सीरीज सीरियल वाइज यूज करना है. राइट. ओके, थैंक यू सो मच सर आपका आपको मतलब समय देने के लिए. थैंक यू सो मच. सो दोस्तों आज समय भी हो चुका है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस. पार्थो सर को वंस अगेन धन्यवाद. इतना सुंदर तरीके से आज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और सारे प्रोडक्ट्स को सर एक क्वेश्चन आ गया है कैसे यूज करना है उसको समझाने के लिए. हाँ पार्थो सर एक कोई क्वेश्चन आ गया सर देखिए तो. कोई अर्जेंट कोई हो तो ऐसे कोई क्वेश्चन दिखाई दे. नहीं, नहीं, नहीं. हाँ इसमें दिया हुआ है एक मिनट. ओके जो भी सवाल कर रहे हैं राम सर आप मतलब ये सारा चीज को फिर से बोलने के लिए भी बहुत टाइम लगेगा और आज उतना समय भी नहीं है. सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाइए. YouTube चैनल में जाते हुए उसमें बहुत सारे एग्रीकल्चर के ऊपर वीडियोस डाला हुआ है जो आपका ये सवाल का आंसर दे सकता है. बिकॉज ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए 15 से 20 मिनट लग जाएगा. सो आप YouTube चैनल में जाइए, उधर आप वीडियोस को देखिए. पार्थो सर का वीडियो है, राजकुमार सर का वीडियो है, जो लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर और आपके सवालों के ऊपर बहुत बार चर्चा किए हैं. सो थैंक यू सो मच. लोग से मुलाकात हो रहा है आज रात 8 बजे. माइंड इट, सिग्नेचर प्रोडक्ट्स ऑफ SHPL हेल्थ एंड वेलनेस का जो प्रोडक्ट्स आपका स्वास्थ्य और वेल्थ मतलब हेल्थ एंड वेल्थ में जिंदगी बदल दे सकता है, जो प्रोडक्ट से आपका बिजनेस बढ़ सकता है, जो प्रोडक्ट से हम लोग सभी का हेल्थ सुधार कर सकते हैं, वो प्रोडक्ट्स के ऊपर चर्चा होने वाला है हर वेडनेसडे. आज होगा इस पल्स के ऊपर. सो बहुत नया कुछ जानना है तो जुड़ जाइए रात 8 बजे. जो लोग भी इस पल्स को लेके बिजनेस कर रहे हैं या फिर इस पल्स को लेके बहुत मतलब प्रभावित है. सो थैंक यू सो मच. इसी के साथ आज का वेबिनार का अंत करते हैं. आपका सभी का दिन मंगलमय हो और वंस अगेन हैप्पी दशहरा टू यू ऑल, हैप्पी विजयादशमी टू यू ऑल. और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल थर्सडे हम लोगों का फिर से एग्रीकल्चर के ऊपर हम लोग आएंगे राजकुमार सर के साथ. तो नया कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए. कल सुबह भी मुलाकात हो रहा है रात को 8 बजे. थैंक यू सो मच. टिल देन स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए और सभी मिलके एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री. थैंक यू. जय सर्वश्री.